बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फॉर्मेट नंबर्स पे है। ये लेक्चर नंबर 2 है फॉर्मेट नंबर पे। इससे पहले हम फॉर्मेट नंबर का इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में फॉर्मेट नंबर के ऊपर मज़ीद कुछ थ्योरम्स करेंगे, तो देखते हैं अपने थ्योरम्स। कीजिए, आपके पास 3 थ्योरम्स आपके सामने लिखे हुए हैं। थ्योरम नंबर 8 में इसके 3 पार्ट हैं। पहला थ्योरम देखते हैं, फॉर ईच एम ग्रेटर देन 0 एफ एम प्लस 1 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस प्राइम फॉर्मेट नंबर्स प्लस 2। जो पहला थ्योरम है आपके पास, आपने इसे प्रूफ करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका एफ एम प्लस 1 जो है वो एफ नॉट से एफ एम तक के जितने फॉर्मेट नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट को अगर 2 में ऐड कर लिया जाए तो आंसर में आपके पास एफ एम प्लस 1 बनता है, ठीक है। और यहाँ पे m का जो है वो होना ज़रूरी है, 1 से स्टार्ट हो। आपका m जो है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, इनके 0 से ग्रेटर है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं f2 की बात करूँ, 1 है, अगर मिनिमम हम m की वैल्यू 1 सेलेक्ट करें तो f2 जो है वो f नॉट इनटू f1 प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह से f3 जो है वो f नॉट f1 F2 प्लस जो है 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको आप चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो पहला फार्मूला मैंने लिखा कि आपके पास F2 बराबर है F0 इनटू F1 प्लस 2 के, तो इसको देख भी लेते हैं। F0 जो है हमारे पास 3 आता है और F1 जो है आपके पास 5 आता है प्लस 2। राइट हैंड साइड आपके पास 17 आंसर देती है। और इधर से अगर F2 देखें तो F2 है 2 रेज पावर 2, और ये आपके पास बनता है 2 रेज पावर 4 प्लस 1, 16 प्लस 1 17। लेफ्ट हैंड साइड भी 17 और राइट हैंड साइड भी 17। ये फार्मूला हमने एक एग्जांपल लेके उसके ऊपर ट्रू भी कर लिया। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। सबसे पहले उसने यही किया है, एम को 1 लेट किया और 1 लेट करके उसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये बनाई है। इसका आंसर 17 निकला है, जो कि आपके F2 के बराबर है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने करना है इंडक्शन के तरीके से। देखिए जी, इंडक्शन के तरीके से कैसे किया, जैसे कि आपको इंडक्शन का तरीका आता है। इंडक्शन में m इज़ इक्वल टू 1 के लिए आपने सबसे पहले देखा तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है m इज़ इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद आपने लेट किया कि सपोज़ करें आपके n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो, तो सेकंड उसका पार्ट ये होता है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को लेट करना होता है कि ट्रू है n इज़ इक्वल्स टू m के लिए। सपोज़ करें कि आपकी स्टेटमेंट m के लिए ट्रू है और आपने m प्लस 1 के लिए ट्रू करवानी है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन होप्स हो कि सबको ही आता है। तो आपने क्या किया, पहली बात तो पहली इक्वेशन n इज़ इक्वल टू 1 के लिए या m इज़ इक्वल टू 1 के लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, और n इज़ इक्वल टू m के लिए आपकी स्टेटमेंट को हमने लेट किया कि ये ट्रू है। यहाँ से सपोज़ किया कि ये ट्रू है और m प्लस 1 की तरफ चलते हैं, प्रोसीड करते हैं m प्लस 1 की तरफ के। आई हैव टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर m इज़ इक्वल्स टू m प्लस 1, यानी कि m प्लस 1 के लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले m प्लस 1 फॉर्मेट नंबर का फॉर्मूला लिखा, जैसे कि 2 रेज पावर 2 रेज पावर m प्लस 1 और फिर प्लस 1। इस पावर को आप ऐसे सप्लिट कर सकते हैं। इसने कैसे सप्लिट किया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 रेज पावर 2 रेज पावर m प्लस 1 है ये, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज पावर m इंटू 2 रेज पावर 1। ये पावर में ही सब कुछ हो रहा है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ तक पहुँच गए हम, 2 रेज पावर 2 रेज पावर m इंटू 2 रेज पावर 1। ये देखें, ये बेसिकली आपने सप्लिट कहाँ से किया था, ये आपने सप्लिट किया था 2 रेज पावर m प्लस 1 से। अब अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2 रेज पावर m होल स्क्वायर में,
क्योंकि जब ये स्क्वायर खुलेगा तो ये इस बेस की पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब बेस की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी। इसलिए इसको पहले मैंने इस फॉर्म में लिख के दिखाया और इस फॉर्म से फिर हम इस फॉर्म में आए। ठीक है, ये देखें जी आपका टू रेज पावर टू रेज पावर एम और होल स्क्वायर प्लस वन। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऐसे है जैसे fm माइनस वन लिखा हो, क्योंकि fm का मतलब होता है, fm माइनस वन क्या होता है, fm होता है टू रेज पावर एम प्लस वन। अगर इसमें से माइनस वन कर दिया जाए तो आपके पास ये बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू उसने लिखी है fm माइनस वन, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसकी वैल्यू है जी fm माइनस वन स्क्वायर बाहर का ऐसे ही, प्लस वन बाहर का ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह से लिख लिया, जी ये स्टेप आपने स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर आपने खोला एफ एम होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम्स एफ एम और एक प्लस वन बाहर है। उसके बाद ये इसके साथ ऐड अप हो जाएगा और आपके पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा एफ एम होल स्क्वायर माइनस टू एफ एम प्लस टू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप एफ एम अगर कॉमन निकाल लें इन पहली दो टर्म्स में से तो आपके पास बन जाएगा एफ एम माइनस टू प्लस टू। ये चीज़ आपके पास सिंप्लीफाई होके आएगी जो उसने ये लिखी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो एफ एम आपका अंदर लिखा हुआ है इस एफ एम की जगह ये जो हमने लेट की थी इक्वेशन इसको इंसर्ट कर देना है, एफ नॉट से एफ एम माइनस वन, ठीक है, और प्लस टू इसके बीच में इस ब्रैकेट के अंदर ही प्लस टू है जो कि इस माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाता है इसलिए उसने नहीं लिखा। अब आप ये देखें नेक्स्ट स्टेप में बाहर एफ एम मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ एम जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा एफ नॉट से एफ एम तक प्लस टू। अब आप ये देखें ये आपका एफ एम प्लस वन बराबर आ गया एफ नॉट से एफ एम प्लस टू और यही आपने स्टेटमेंट में आपको दिया गया था। ये देखिए अब मैं आप स्टेटमेंट आपके सामने वापस रखती हूँ, ये स्टेटमेंट है एफ एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एफ नॉट एफ वन से एफ एम प्लस टू। ये इक्वेशन जो है आपने सबसे पहले प्रूव की एम इज इक्वल्स टू वन के लिए और फिर इसे इंडक्शन के तरीके से किया और इंडक्शन के सेकेंड पार्ट में एम के लिए सपोज की कि ट्रू है और एम प्लस वन के लिए आपने ट्रू करके दिखाई। ठीक है जी, तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट देखें जी आपने शो करना है एफ एन डिवाइड्स एफ एम माइनस टू और जहाँ पे एम जो है ग्रेटर है एन से। ठीक है, अच्छा इसको इस्तेमाल इसको प्रूफ करने के लिए आपने फर्स्ट पार्ट का इस्तेमाल इसके प्रूफ में होगा, आप फर्स्ट पार्ट को पहले याद करें, जब भी आपको सेकेंड पार्ट का प्रूफ आएगा तो उसके अंदर आप नंबर देख लीजिएगा नंबर्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि सेकेंड पार्ट के प्रूफ में आपके पास फर्स्ट थ्योरम जो है वो यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट थ्योरम अगर आप इस वक्त तो हम जानते हैं हम अलग से प्रूव नहीं करेंगे इस पार्ट में, यहाँ पे प्रूव्ड है, अदरवाइज़ पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको सेकेंड पार्ट अगर आ जाता है तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट को आपको पहले प्रूव करना होगा और उसका रिज़ल्ट फिर सेकेंड पार्ट में इस्तेमाल करना होगा। अब हमने देख लिया कि एफ एन डिवाइड्स एफ एम माइनस टू एम इज़ ग्रेटर देन वन, इसको कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। ये देखें जी आप जब कहते हैं कि m जो है वो ग्रेटर देन n है, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अभी हम प्रूव करके बैठे हैं कि एफ एम प्लस वन जो है बराबर होता है एफ नॉट एफ वन से एफ एम प्लस टू के, एफ एम प्लस टू के बराबर होता। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो सबस्क्रिप्ट है और यहाँ पे F के जितने भी सबस्क्रिप्ट्स हैं राइट हैंड साइड पे जितने भी सबस्क्रिप्ट हैं फॉर्मेट नंबर के वो तमाम इस सबस्क्रिप्ट से लेफ्ट हैंड साइड के सबस्क्रिप्ट से लेस हैं। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि एफ एम जो है एम जो है वो ग्रेटर है एन से, यानी कि फिर इसका मतलब ये होगा एफ एन लेजर होगा एफ एम से और एफ एम प्लस वन से जैसे जितने भी लेजर फॉर्मेट नंबर्स हैं वो तमाम इस फॉर्मूले में आ रहे हैं। इसका मतलब है जब आप एफ एम का फॉर्मूला बनाएंगे, एफ एम का फॉर्मूला बनता है एफ नॉट एफ वन से एफ एम माइनस वन प्लस टू, तो इस इन एफ्स में कोई एक एफ जो है वो एफ एन होगा।
अगर आप ये कहते हैं कि एफ एन एन इज़ लेसर देन, अगर आप ये कहते हैं एन इज़ लेस देन एम, तो फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जितने भी एफ्स हैं इनमें से एक एफ आपका एफ एन होगा। ठीक है, अब एफ एन जो है सपोज़ करें कि यहाँ पे कहीं एफ टेन आता है, अगर एम टेन से ग्रेटर है, बीच में कहीं एफ थ्री आता है, सपोज़ करें चलें एफ थ्री आता है, और एन एन का मतलब थ्री है, ठीक है, तो एफ थ्री का मतलब अगर एफ एन होता है, तो फिर एफ एन जो है वो इस राइट हैंड साइड की ये जो नंबर्स लिखे हैं, ये जो प्रोडक्ट का नंबर लिखे हुए हैं, इसमें से एक नंबर एफ एन है, दैट्स वाई इस पोर्शन को आपका एफ एन जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एफ एन जो है इस नंबर का एक फैक्टर बन जाता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एफ एन जो है एफ एन डिवाइड्स एफ नॉट एफ वन से लेकर एफ एम माइनस वन। ठीक है, एफ एन जो है वो इस नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अब ये नंबर है क्या, ये नंबर आपने बनाया कैसे था? बेसिकली ये नंबर आपका यहाँ से बना था, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट एफ वन से लेकर एफ एम माइनस वन तक प्लस टू, ये एफ एम से बना था। अगर हम इस प्लस टू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा एफ एम माइनस टू इज इक्वल्स टू एफ नॉट एफ वन अप टू एफ एम माइनस वन। ये देखें, अब आपका ये राइट हैंड साइड जो है ये बराबर है ये एफ एम माइनस टू के, ये साइड बेसिकली एफ एन जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है वो बेसिकली उसको रिप्लेस करते हैं। ये देखें, एफ एन डिवाइड्स दिस नंबर एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ एम माइनस टू, सो फाइनली ये प्रूव हो गया कि एफ एन जो है एफ एम माइनस टू को डिवाइड कर रहा है। तो यही आपने प्रूव करके दिखाना था और आपने इस पर इस्तेमाल किया पिछला थ्योरम। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ये देखें जी, थर्ड पार्ट हमारे पास है कि एफ एन और एफ एम आपस में को प्राइम है फॉर ईच एम इज़ नॉट इक्वल्स टू एन, यानी कि अगर ये सबस्क्रिप्ट्स बराबर ना हो तो दो फॉर्मेट नंबर आपस में उनका जी सी डी जो है वो वन निकलता। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। इसका प्रूफ देखते हैं, इसके प्रूफ में आपने सपोज कर लिया कि एफ एन और एफ एम का जी सी डी जो है वो डी निकलता है, जबकि n और m, चूँकि हमने शुरू में कहा था कि n और m बराबर नहीं है, तो अगर m n बराबर नहीं है तो इसका मतलब है या तो m ग्रेटर होगा n से या फिर n ग्रेटर होगा m से, दोनों में से कोई एक बात होगी। अगर हम कहते हैं कि n बराबर नहीं है m के, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। ठीक है, तो उसमें से उसने पहली वाली सिचुएशन रेड की, वे सपोज करें कि m अगर बराबर नहीं है तो m ग्रेटर है n से। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि m ग्रेटर है n से, तो देखें ये जी सी डी है, ये जी सी डी है, और जी सी डी वही नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। एफ एम और एफ एन का जो जी सी डी है एफ एन को भी डिवाइड कर रहा है और एफ एम को भी डिवाइड करेगा ऑल्सो। अब देखिए ये जो सेकेंड पार्ट, अभी हमने ये सेकेंड पार्ट किया है, सेकेंड पार्ट हमें बताता है कि अगर एम एन से ग्रेटर हो तो एफ एन जो है वो डिवाइड करता है एफ एम माइनस टू को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दो बातों को ज्वाइन करें, एक ये बात है और एक आपकी ये बात है, इन दोनों बातों को ज्वाइन करें, आप ये कहते हैं कि d जो है fn को डिवाइड कर रहा है और fn जो है fm माइनस टू को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि d जो है वो fm माइनस टू को भी डिवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कहें कि टू जो है वो एट को डिवाइड कर रहा है और एट जो है आगे सिक्सटीन को डिवाइड कर रहा है, सिक्सटीन को, तो टू फिर सिक्सटीन को भी डिवाइड करेगा, इस तरह का सीन है। तो ये देखें, आप यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं, डी डिवाइड्स एफ एम माइनस टू। एफ एम माइनस टू क्या है, एफ एम देखें, एफ एम माइनस टू में से एफ एम और टू दोनों को अलग अलग जज करें। अगर डी जो है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है तो क्या डी अलग से एफ एम को डिवाइड कर रहा है? यस, डी जो है वो एफ एम का भी डिवाइजर है। अच्छा जी, यहाँ पे एक रिज़ल्ट लगना है। देखें, अगर हम ये कहते हैं कि डी एफ एम माइनस टू को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे नंबर थ्री का एक रिज़ल्ट लगेगा, क्योंकि डी इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। रिज़ल्ट ये है कि अगर आपका डी ए को डिवाइड करता है और डी बी को डिवाइड करता है तो दिस इम्प्लाइज डी ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा या ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा।
और अगर आपके पास ये सीन आ जाए, कॉन्वर्स में आ जाए कि डी जो है दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है, तो लाजमी लाजमी उन दोनों नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड कर रहा होगा। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, आप टू से मिसाल ले सकते हैं, जैसे कि टू जो है वो सिक्स माइनस फोर को डिवाइड करता है। तो ये देखिए इसका मतलब आता है, सिक्स माइनस फोर का मतलब है टू, तो टू अलग से सिक्स को भी डिवाइड कर रहा है और फोर को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक नंबर मैं ऐसा डाल दूँ जो टू से सेपरेटली जो है डिविजिबल नहीं है, तो फिर उसकी सब्ट्रैक्शन भी कभी डिविजिबल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैं अगर सिक्स ही रहने दूँ लेकिन सब्ट्रैक्शन में मैं थ्री डाल दूँ, तो थ्री देखिए टू से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी कभी टू से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल है नंबर थ्री का। उस रूल के अकॉर्डिंग आप अगर कहते हैं कि डी इन दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है और इनमें से एक नंबर के बारे में कंफर्म है कि डी उसको ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे नंबर के लिए भी लाजमी होगा कि वो डी से डिविजिबल हो। इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा है कि सेकंड नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय डी, और वो नंबर है टू। अब डी जो है एक ऐसा नंबर है जो टू को डिवाइड कर रहा है, और हम जानते हैं कि टू एक इवन नंबर है। अब डी के ऊपर भी यही जो है वो इसकी डाउट है कि डी फिर इसका मतलब है कि एक इवन नंबर ही इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, ऑड नंबर तो नहीं डिवाइड कर सकता। लेकिन देखिए डी के ऊपर ये फैक्ट भी है कि डी फॉर्मेट नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब फॉर्मेट नंबर का जो जनरल डेफिनेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो है टू रेज टू पावर m प्लस वन। देखिए टू की कोई भी पावर आप यहाँ पे ले लें, ये वाला जो हिस्सा है ये हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है, और इवन में जब भी आप एक नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास हमेशा ऑड आएगा। अब यहाँ से क्या, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन से क्या पता चलता है कि फॉर्मेट नंबर्स हमेशा ऑड होते हैं। अभी आपने शुरू के चार पांच फॉर्मेट नंबर्स ही देखे, पहला थ्री, दूसरा फाइव, उसके बाद सेवनटीन निकला था, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन से भी साफ पता चलता है कि हमारे जो फॉर्मेट नंबर्स होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं। अब डी की यहाँ से जो डाउट जा रहा है, यहाँ से जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि डी का इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है कि डी इवन है, लेकिन चूंकि फॉर्मेट नंबर का डिवाइज़र भी है तो फॉर्मेट नंबर ऑड होते हैं, और ऑड नंबर्स को ऑड नंबर्स ही डिवाइड करते हैं, इवन नंबर्स डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से इम्पैक्ट ये जाता है कि डी आपका ऑड है। ठीक है, तो अब डी ऑड है और एक तरफ से ऑड का इम्पैक्ट जा रहा है और एक तरफ से इवन का इम्पैक्ट जा रहा है, और ये दोनों बातें आप तभी आपकी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब डी इवन हो। ये दोनों बातें ट्रू हैं, और दोनों बातों को लेके हम सिर्फ एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि डी आपका वन है, तो ही डी फॉर्मेट नंबर को भी डिवाइड कर सकता है और टू को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, अगर डी आपका वन आ जाता है तो वो रिज़ल्ट जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था वो प्रूव हो जाता है कि कोई से दो फॉर्मेट नंबर्स जो हैं, जिन जो इक्वल जो सेम फॉर्मेट नंबर्स ना हों, उनका जीसीडी हमेशा वन निकलता है। हैंस प्रूव्ड।